जी पंडित जी, आज रामनवमी का पर्व है और राम जन्मोत्सव भी है, इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम आचार्य जिनेन्द्र शर्मा शिवान ज्योति संस्थान हरबटपुर से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज नए संवत्सर की नवमी तिथि, नया संवत्सर हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर आज हमारे 9 दिन पूरे हुए नवरात्रि के दिन। चैत्र मास से नव वर्ष की उत्पत्ति यानी कि प्रकृति की उत्पत्ति। अब प्रकृति में सर्वप्रथम भगवान का संचरण, आज भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव के रूप में आज की तिथि को मनाया जाता है। और इस वर्ष इस संवत्सर के राजा मंगल और मंत्री शनि, और ये संवत्सर सनातन धर्म के लिए एक धर्म ध्वजा को अग्रसर करने का कार्य करेगा। पूरे विश्व में जिस प्रकार की आप गतिविधियां देख रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में पड़ेगा। छुटपुट घटनाएं, इस बार मंगल राजा होने के कारण थोड़ा ट्रेन दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, ये सब घटनाएं थोड़ी अधिक होंगी और प्रजा में थोड़ा भय का माहौल होगा। लेकिन सनातन धर्म जब व्यवस्थित ढंग लेगा तो अराजक तत्वों को तो परेशानी होगी। धर्म के साथ चलने वाले लोगों के लिए ये संवत्सर अति उत्तम है और आगे ही बढ़ेगा। धन्यवाद। जैसे कि पंडित जी, आज युवा पीढ़ी अपने धर्म से दूर होता जा रहा है, आप इसको क्या मानते हैं? देखिए भाई साहब, आज का युग नहीं, ये जब से प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, प्रकृति का बनना और बिगड़ना ये एक दूसरे का प्रतिरूप रहा है। आप एक पहलू को तो देख रहे हैं कि आज का युग, आज की जनरेशन हमारे सनातन धर्म से दूर हो रही है, लेकिन आप एक चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि पूरा विश्व हमारी हमारे धर्म को और हम हमारी सनातन पद्धति को एक्सेप्ट कर रहा है। सिर्फ आडंबर की चीजों को लेके तो हमारा आडंबर का मतलब मैं कहना चाहूंगा कि रियल वे में तो हमारी जनरेशन अट्रैक्टिव हो रही है। आप देख रहे होंगे कि गौशालाओं के लिए या अभी जैसे रैलियां निकलती हैं उसमें बहुत युवा वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे सनातन पद्धति का हमारा एक स्तंभ तैयार हो रहा है, प्रगाढ़ हो रही है और आने वाला समय सनातन धर्म ही विशेष रहने वाला है। ये जो हमारे जो युवा है धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, क्योंकि धार्मिक कार्यों में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हमारा जो युवा पीढ़ी है बहुत कम रुचि ले रहा है। देखिए सबसे पहली चीज इसमें हमारा शिक्षा का भेद हुआ। हमारी जो शिक्षा संस्थाएं थी, हम जैसे सरस्वती स्कूल से पढ़े हुए पहले के हैं तो वहाँ बचपन से ही हमारे सनातन धर्म के या सनातन पद्धति के कार्यों में हमारे संस्कारों को घूट के भरा जाता। आजकल हमारी जो कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति है ये इसके लिए अवरोध उत्पन्न हुई है, लेकिन ये आने वाला समय विलीन होंगी, धीरे धीरे आ रहा है, आप इस चीज से दूर नहीं रहेंगे। धीरे धीरे आने वाली जनरेशन सनातन धर्म को प्रगाढ़ घोषित करेगी और जुड़ेगी इसके साथ। जी आपका पूरा नाम पंडित जी? मेरा नाम आचार्य जिनेन्द्र शर्मा, शिवान ज्योति संस्थान, हरबटपुर, देहरादून।